दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 7 नवंबर 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में। जहां पर एक तरफ साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल्स के शेड्यूल में हमें अचानक से 2-3 बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले, वही दूसरी तरफ टाटा आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग हमें खुद बीसीसीआई ऑफिशियल और दो आईपीएल फ्रेंचाइजियों की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिली है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर, जहां पर इस शानदार टूर्नामेंट का सुपर 12 फॉर्मेट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जहां पर भाई टूर्नामेंट के अंतिम दिन में यहां पर काफी सारे बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले। नीदरलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को लाया, अफ्रीका टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स की रेस से बाहर। उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया, जिसके बाद आज की तारीख में T20 वर्ल्ड कप 2022 के दो तीन बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल्स के शेड्यूल को लेकर, जहां पर सेमीफाइनल्स की चार टीमें हमें मिल चुकी है। जी हां, ग्रुप वन से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम ने क्वालिफाई किया, वही ग्रुप टू से यहां पर भारत और पाकिस्तान की टीम ने क्वालिफाई किया है। हम यहां पर सेमीफाइनल्स के पूरे शेड्यूल की बात करते हैं तो फर्स्ट सेमीफाइनल महामुकाबला हमें 9 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से हमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम के बीच एडिलेड के स्टेडियम में देखने को मिलेगा, सॉरी सिडनी के स्टेडियम में होगा। और वहीं सेकंड सेमीफाइनल महामुकाबला हमें 10 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से भारत और इंग्लैंड के बीच एडिलेड के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। दोनों महामुकाबले काफी इंटरेस्टिंग होंगे। दोनों महामुकाबले में जोन जोन से टीम जीतेगी वो यहां पर T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल महामुकाबले में आमने सामने होने वाली है। बात कर दिया अगले अपडेट की, तो अपडेट निकल कर आ रहा है टीम इंडिया के सेमीफाइनल महामुकाबले को लेकर, जहां पर मैंने आप सभी लोगों को बताया कि टीम इंडिया अपना सेमीफाइनल महामुकाबला 10 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड के स्टेडियम में खेलेगा। लेकिन दोस्तों उस महामुकाबले की शुरुआत से पहले कुछ बड़े अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं, जहां पर भाई मौसम विभाग की तरफ से एक छोटी सी बुरी खबर है, जहां पर बारिश थोड़ा सा संकट यहां पर बन सकती है। हालांकि बारिश के यहां पर ज्यादा चांसेस नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यहां पर दिनेश कार्तिक बार फिर से प्लेइंग 11 में कमबैक कर सकते हैं, ऐसा यहां पर सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। उसके अलावा युजवेंद्र चहल को भारत की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपके मतलब अभी क्या बड़े बदलाव हमें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में देखने को मिलना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो अपडेट है भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर। जी हां, एक बार फिर से हमें T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और पाकिस्तान आमने सामने देखने को मिल सकते हैं। जहां पर भाई आपको बताया कि सेमीफाइनल 1 में पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर चुकी न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलेगी, सेमीफाइनल 2 में टीम इंडिया ने क्वालिफाई किया इंग्लैंड के साथ मैच होने वाला है। और यदि दोनों टीमें दोनों सेमीफाइनल्स महामुकाबलों को जीत जाती हैं तो दोनों टीमें हम एक बार फिर से यहां पर T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल महामुकाबले में आमने सामने देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड 2022 को लेकर। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2022 के जस्ट बाद भारत की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड आपस में 6 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलेंगे, जिस दौरान 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पूरा कार्यक्रम, दोनों टीमों के फाइनल स्क्वाड्स ऑलरेडी यहां पर जारी किए जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है इस सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स को लेकर, जहां पर मोबाइल टेलीकास्टिंग राइट
जिसको वाइकोम 18 कंपनी ने परचेस कर लिया। वाइकोम 18 ऐप पर हमें इस पूरे की पूरी सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलेगी। ना स्टार स्पोर्ट्स पर मैचेज आएंगे, ना यहाँ पर जियो टीवी पर मैचेज आने वाले। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी खबर हमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली सीरीज से पहले देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2023 को लेकर, जहां पर हमें इस टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक पल यानी आईपीएल की नीलामी 16 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे के आसपास से बेंगलुरु में देखने को मिलेगी। सेट यहां पर पूरी तरह से सेट है, फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रही। इसी बीच यहां पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है रिलीज प्लेयर की लिस्ट को लेकर। जीआरटीएल नाउ सोर्सेज ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि भाई आने वाले 5-6 दिनों के बाद यानी भाई नेक्स्ट वीक में आईपीएल की ट्रेड विंडो एक्टिवेट हो जाएगी, जहां पर हमें काफी सारे बड़े बड़े ट्रेड टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद होने वाली नीलामी में देखने को मिलेंगे। इस टूर्नामेंट के जस्ट बाद ट्रेड विंडो स्टार्ट हो जाएगी और भाई उसके बाद यहां पर 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच सभी टीमें अपनी ऑफिशियल रिलीज प्लेयर की लिस्ट को जारी कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग की टीम को लेकर, जहां पर भी आप सभी को बताया कि रविंद्र जडेजा को ट्रेड को लेकर बहुत ही बड़ा सस्पेंस बना हुआ। फाइनली हम यहां पर सीएसके की तरफ से रविंद्र जडेजा के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला, जहां पर सीएसके के सीईओ और साथ ही साथ सीएसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खुद ऐसा कंफर्म किया कि चेन्नई सुपर किंग की मैनेजमेंट रविंद्र जडेजा को अपनी टीम से नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा के बीच छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सी जरूर हुई थी, जिसके बाद भाई ऐसा तो लगभग कंफर्म लग रहा था कि मैं डेफिनेटली सीएसके और रविंद्र जडेजा के बीच पार्ट ऑफ वेज देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक ऐसा ही बताया जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइजी ना तो रविंद्र जडेजा को ट्रेड करना चाहती है, ना ही उनको अपनी टीम से रिलीज करना चाहती है। तो भाई ऐसे में आईपीएल 2023 में डेफिनेटली हमें रविंद्र जडेजा इसी टीम की तरफ से कंटिन्यू करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है सूर्य कुमार यादव को लेकर। जी आपको पता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव दोनों खिलाड़ियों का, जी हां सूरवीर का बल्ला यहां पर तूफान ला रहा है, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड जड़े हैं। आपको बताना चाहूंगा कि टी20 रैंकिंग से वो नंबर 1 पर आ चुके हैं, 1000 रन उन्होंने इस साल कंप्लीट कर लिए है। पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने, मतलब भारत के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाए हैं। साथ ही साथ साल 2022 में एज बैट्समैन सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। साल 2022 में उन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 50 एक साल में लगाई है, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड भी यहां पर सूर्य कुमार यादव के नाम हुए हैं। तो दोस्तों ये है 7 नवंबर 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों का आपकी क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।